हाय फ्रेंड्स, यू नेक्स्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल एग्जाम्स के बारे में, क्योंकि आप सब लोग जो भी सीएचएसएल का एग्जाम देने जा रहे हो, उन सब के माइंड में अभी ये बात चल रहा है और उथल पुथल वाली कंडीशन बनी हुई है, जिसकी वजह से आप लोगों की पढ़ाई नहीं हो पा रही और माइंड डाइवर्ट होकर के रह रहा है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। सबके मन में अभी यही सवाल है। तो मैं आप सबको बता दूँ कि देखिए, जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि इस तरफ इशारा कर रही है कि पेपर जो है वो पोस्टपोन हो सकता है। सबसे पहली बात तो आपने देखा कि जो ये 12 अगस्त तक ट्रेनें कैंसिल कर दी गई है, तो ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है। दूसरा, आईआईटी और नीट वाला एग्ज़ाम जो है उसका पोस्टपोन होना, तो ये सब चीज़ें इसी तरफ इशारा कर रही है कि ये एग्ज़ाम भी पोस्टपोन होने के 99% चांसेस हैं। क्योंकि आप सबको बता दूं कि 12 अगस्त तक अगर ट्रेनें कैंसिल होती है तो 17 अगस्त से ये पेपर होना पॉसिबल नहीं है। सबसे पहला चीज़ ये, और दूसरा, जिस तरह से कंडीशन अभी ख़राब हो रहा है, हर जगह पर लॉकडाउन लग रहा है। आप सब ने न्यूज़ देखा होगा, यूपी में भी लॉकडाउन हो गया, बिहार में पटना में भी लॉकडाउन हो गया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अभी लग रहा है कि कंडीशन जो है सही नहीं हो रही है और एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और एसएससी जो है इतना जल्दी नोटिस भी नहीं देता है कि हाँ, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है। जिस समय एडमिट कार्ड आने वाला टाइम होता है, उसी टाइम पर ये नोटिस जारी करेगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूँ कि आप लोग ज़्यादा माइंड डाइवर्ट ना करें, आप लोग दोनों ही कंडीशन के लिए तैयार रहें। अगर एग्ज़ाम होता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो पोस्टपोन होकर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, या तो सेप्टेम्बर लास्ट में होगा या फिर अक्टूबर में होगा। तो इसीलिए आप लोग बस पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें, और जैसा जो कुछ भी होगा वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसी तरह का अपडेट चाहिए और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।